आज है थर्सडे और मैं थर्सडे में आपके साथ ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। अभी मैं कुछ काम से मार्केट निकल रही हूँ, मार्केट नहीं मतलब एक मॉल जा रही हूँ। इससे पहले मैं इस मॉल में कभी नहीं गई हूँ और ये गाजियाबाद में है मॉल और ये आपके शिप्रा मॉल के पास पड़ता है, शायद शिप्रा मॉल के ही पास है, मैं बाकी आपको बता दूँगी। तो मैं जा रही हूँ इंदिरापुरम में है ये हैबिटेट सेंटर, वहाँ जा रही हूँ, फर्स्ट टाइम जा रही हूँ उस मॉल में, देखते हैं कि कैसा है मॉल है। और आज जो है वो शिवरात्रि है, बहुत सारे लोगों ने मुझे मेरे लास्ट टू लास्ट व्लॉग पे शायद मैंने बोला था कि शिवरात्रि आने वाली है एंड देन तीज आएगी देन रक्षाबंधन आएगा, तो काफ़ी सारे लोगों ने लिखा कि जो शिवरात्रि है वो इस महीने नहीं आती है। तो मैं बता दूं कि इस महीने शिवरात्रि है और वो भी आज है, लेकिन ये वो वाली शिवरात्रि नहीं है जिसमें शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ था, ये वो वाली शिवरात्रि नहीं है, वो तो शायद फरवरी में आती है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन ये वो वाली शिवरात्रि जिसमें कांवर लेकर नहीं जाते हैं लोग, तो वहाँ पर ना भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाते हैं वो लोग, तो ये उन लोगों की शिवरात्रि है। और आपको बता दूँ कि नॉर्थ इंडिया में ना शिवरात्रि जो कांवर वाली है इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व है, तो इस वाले शिवरात्रि की वजह से ना काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम भी रहता है, जो रूट्स हैं वो डाइवर्जन हो जाते हैं, तो काफ़ी कुछ चलता रहता है। फिलहाल आज कशिश की छुट्टी है और प्रशांत की भी, तो हम लोग जा रहे हैं बस ऐसे ही घूमने के लिए, और कशिश ने आज मेरी जगह ले ली है, वो डैडी के साथ बैठी हुई है। हेलो कशिश, कशिश हेलो प्रशांत, और मैं बैठी हुई हूँ बैक सीट पर। देखिए मैं अभी दिखाती हूँ, शायद कांवर वाले लोग थे पता साइड में, आपने देखा था? मम्मी मम्मी बताओ विच। तो हम लोग हैबिटेट सेंटर पहुँच चुके हैं, एक अच्छा है ये, मतलब काफ़ी बड़ा है दिख रहा है मुझे, कुछ कुछ ऐसा है कि यार ये कुछ डिफरेंट स्टाइल में नहीं है, जैसे अपना वो प्रीमियम आउटलेट, हाँ जैसे प्रीमियम आउटलेट मॉल वगैरह नहीं होते, ये उस तरीके से बना हुआ है। ढूंढ रही थी अपने, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है अभी तक। अभी हम लोग हैं कहाँ पर, हम कशिश वेस्ट साइड ना, अभी हम लोग वेस्ट साइड, स्पोर्ट्स स्टोर है ये, तो यहाँ पर स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं, जितनी भी आपको चाहिए, स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स भी बहुत अच्छे अच्छे हैं यहाँ पर।
बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे। खेल रहे क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग गेम लगता है मुझे। ये पहले भी हमारे पास था लेकिन पता नहीं फिर कहाँ चला गया है ना। पहले था हमारे पास लेकिन वो मिसिंग हो गया कहीं, तो हम लोगों ने सोचा कि हमें फिर से खरीदना चाहिए क्योंकि टाइम पास करने के लिए सबसे अच्छा है और फन भी लगता है इसमें। तो मतलब टारगेट करने का दिल करता है कि 100 पे टारगेट करना है या 5 पे करना है। आप नंबर अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर लोग 100 पे ही टारगेट करना चाहते हैं लेकिन मुझ जैसे जो नौसिखिया लोग हैं, मतलब जिन्होंने जिन्हें नहीं है आता, उनके लिए कोई भी नंबर चलता है। तो मैं आज ऐसी गई थी मॉल वगैरह अपने लिए बर्थडे का ड्रेस ढूंढने के लिए गई थी लेकिन कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आया। मतलब इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं थी वहाँ पे। वेस्ट साइड भी गई थी, वहाँ पर बस सिर्फ और सिर्फ कुर्तियों का कलेक्शन था। तो मुझे कुछ ड्रेस वगैरह चाहिए थी तो कोई अच्छी ड्रेस मुझे नहीं मिली वहाँ पर। तो फिर मैंने सो आइडिया ड्रॉप कर दिया, देखती हूँ अब क्या पहनती हूँ बर्थडे पर। हाँ, आज मेरा एक मैं एक और चीज़ लेकर आई थी, पहले आपको वो दिखाती हूँ। तो मैं ऐसे ही घूमते घूमते 99 स्टोर चली गई थी और वहाँ से मैंने ये परचेज़ किया, ये क्यूट सा मग। एक्चुअली ये मैंने जो पसंद किया था वो ये वाला मग था, स्माइली वाला। और जब ये पैकेट में रखा हुआ था, यानी कि इस पैकेट में, और पैकेट बोले तो बॉक्स में रखा हुआ था। और मैंने चेक तो किया, मतलब ऐसे निकाल के चेक किया कि कुछ टूटा वूटा ना हो, लेकिन ये नोटिस नहीं किया कि इसका जो डिज़ाइन है वो डिफरेंट हो गया। मतलब ये डिज़ाइन डिफरेंट है और मैंने जो चूज़ किया था वो ये वाला डिज़ाइन चूज़ किया था। और अभी इतनी दूर है ये मेरे घर से तो मैं ऐसे चेंज भी नहीं करके आ सकती। जब कभी उधर जाना होगा तब तक तो मुझे वेट होगा नहीं। मैं तो इसमें आज या कल मैं चाय भी पीने वाली हूँ। और पर्पल से मैंने कुछ सामान मंगाया है अपने लिए। तो ये है पर्पल का सामान जो मैंने मंगाया है, दिखाती हूँ अभी। मैंने सिर्फ और सिर्फ ये ऊपर से ओपन किया है क्योंकि आज सुबह ही ये जो मेल है मैंने रिसीव की थी, लेकिन मुझे मार्केट निकलना था तो मैंने इसे चेक नहीं किया। बस जस्ट इसे खोला एक्साइटमेंट में और देखा कि जो मैंने सामान मंगाया था उतने नंबर हैं इसमें सामान के, तो उतने ही थे बस। लेकिन अभी ये पूरे इस तरीके से सील पैक है तो वो मैंने नहीं खोले अभी तक। आप ही के साथ मिलके खोलती हूँ।
तो जो सबसे पहला प्रोडक्ट है वो है गुड वाइब्स का पपाया रिजोनेवेटिंग स्क्रब, और जिसकी कॉस्ट मुझे पड़ी है 145 रुपीस। सेकंड मैंने क्या मंगाया है, सेकंड मैंने ये एक्टिवेटेड चारकोल फेस मास्क मंगाया है। काफ़ी फेमस है ये फेस मास्क, तो मैं भी ट्राई करके देखना चाहती थी कि इसका जो बेनिफिट्स हैं वो क्या हैं और ये मुझे कितना सूट करता है। तो मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी थोड़े दिनों में। और इसका जो कॉस्ट है वो है गुड वाइब्स का एक्टिवेटेड चारकोल डीप क्लींजिंग फेस मास्क 138 रुपीस। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो ही शायद एक स्क्रब है, क्योंकि मुझे लगता है मैंने दो स्क्रब मंगाए हैं, और ये है रोज एंड जेरेनियम स्किन टाइटनिंग स्क्रब। तो मैंने दो स्क्रब मंगाए हैं, यानी कि एक तो मैंने पपाया स्क्रब मंगाया है और ये एक रोज वाला, दो स्क्रब मंगाए हैं। और एक मंगाया है चारकोल का फेस मास्क। अच्छा, मैंने इसकी कॉस्ट नहीं बताई रोज वाले की, रोज वाले की जो कॉस्ट है रोज स्क्रब की कॉस्ट क्या थी, हाँ ये है 145 रुपीस। तो दोनों स्क्रब की जो कॉस्ट है वो 145 रुपीस है, और जो चारकोल फेस मास्क की है वो है 169। इसके अलावा मैंने थैंक यू फार्मर का कॉटन मास्क मंगाया है एज रिपेयर, जिसकी कॉस्ट है 300 रुपीस, और वो यहाँ पर है, मैं दिखाती हूँ। मुझे थैंक यू फार्मर के प्रोडक्ट ट्राई करके देखने थे कि कैसे हैं, अगर अच्छे लगे तो मैं आगे और भी मंगाऊँगी। तो ये है मिरेकल एज रिपेयर कॉटन मास्क, नरिशिंग ब्राइटनिंग एंड एंटी रिंकल। ओके, और इसकी क्या कॉस्ट, इसकी कॉस्ट मैं पहले ही बता चुकी हूँ 300 रुपीस। तो शीट मास्क 300 रुपीस का एक्सपेंसिव है, क्योंकि जो नायका पर मिलते हैं द फेस शॉप के, वो तो इतने एक्सपेंसिव नहीं होते और उन पे ऑफर भी चलते रहते हैं, जैसे बाय 7 एंड गेट 3 ऑफ, इस टाइप के ऑफर द फेस शॉप पर चलते रहते हैं शीट मास्क पर। पता नहीं इसमें क्या एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, आई डोंट नो, ये तो लगाने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन देखा जाए तो शीट मास्क की उसमें देखा जाए तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, 300 का तो एक्सपेंसिव लग रहा है मुझे। लेकिन अगर इसने अच्छा वर्क किया तो वर्थ है, अदरवाइज तो फिर ये काफ़ी महंगा है। तो अभी तो ये बॉक्स पूरा खाली हो गया है, बस यही सामान था जो मैंने मंगाया है। और ये है कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि मुझे और कशिश को करना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है जब ऐसे करते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके, तो यही था मैंने जो मंगाया। अभी मैं आज ट्राई करके देखना चाह रही हूँ, मैं सबसे पहले ना ये चारकोल फेस मास्क ट्राई करूँगी, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा मैंने सुना हुआ है, तो मैं सबसे पहले इसी को ट्राई करके देखना चाहती हूँ। ये कैसे वर्क करता है, करते फिर ट्राई थोड़ी देर में। हाँ, एक और चीज़ थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, मैंने आप लोगों के साथ अपना ज्वेलरी कलेक्शन शेयर किया था ना कुछ दिन पहले, और उसमें ना दो ऐसे नेकलेस हैं जो रह गए थे दिखाने, वो बहुत ही क्यूट है, तो मैंने सोचा क्यों ना अभी दिखा दिया जाए। और अगर आपने मेरा ज्वेलरी कलेक्शन वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आपने कुछ मिस कर दिया है, आप जाकर चेक करें मेरा ज्वेलरी कलेक्शन, उसमें आपको मेरा पूरा ज्वेलरी का कलेक्शन दिखाई दे जाएगा। तो सबसे पहले बहुत ही प्यारा सा ये एक, बहुत ही क्यूट है ये, बहुत ही सुंदर है, पहन के दिखाती हूँ मैं आपको। सीप का बना हुआ है, प्योर सीप का, इसमें ये सीप का काम हो रहा है आप देख सकते हैं, और इधर मोती है और यहाँ पर है सीप का वर्क, तो बहुत ही खूबसूरत है ये डिज़ाइन। तो ये है एक जो ये पीस बचा था जो आपको दिखाने से रह गया था, और एक और है आप देख सकते हो कितना प्यारा है ना,
ये भी बहुत सुंदर लगता है पहनने के बाद। तो मेरे ज्वेलरी कलेक्शन में यही दो पीसेस थे जो आपको रह गए थे दिखाना। एक्चुअली ये मैंने ना इस वाले पाउच में रखे हुए थे, ये जो पाउच है मैंने इसमें रखे हुए थे, क्योंकि ये वाला जो पीस है ना नेकलेस, ये ना काफी डेलिकेटेड है, तो मुझे इस तरीके से सेफ रखना था इसको, और मैंने इसमें किया। और इस ये भी स्टोन का है, हालांकि ये इतना डेलिकेटेड नहीं है लेकिन ये बहुत ज्यादा है, तो मैंने इन दोनों को ना एक साथ रख के अपनी अलमारी में पीछे की तरफ डाल दिया कहीं, और मुझे याद नहीं रहा, या वो पीछे आगे सामान रखते गए और पीछे पीछे सामान पहुंच नहीं जाता है, तो ये उसके साथ ऐसा ही हुआ है। तो ये पीछे की तरफ कहीं रखा हुआ था, और कल जब मैं कुछ ढूंढ रही थी अपना, तो मेरा नजर ना इस पे पड़ी, तो मैंने कहा अरे ये दो सेट तो आप लोगों को रह गए दिखाने के लिए, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब मैं जब भी कोई नेक्स्ट व्लॉग बनाऊंगी तो मैं आपके साथ तब शेयर कर दूंगी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये मेरा बहुत फेवरेट है, वैसे बहुत ही प्यारा लगता है, और ये ना बीच पे बहुत अच्छा लगता है, जैसे आपने रोम्पर वगैरह पहना हो और रोम्पर के साथ ना आप इस टाइप का नेक पीस डालो तो बहुत ही अल्टीमेट लगते हैं, फोटोग्राफ्स भी बहुत अच्छे आते हैं। गाइस थोड़ी सी ट्रेजेडी हो गई है, मेरे जो ये वाला पैर है ना, सीधा पैर राइट लेग, उसमें यहाँ पर बहुत तेजी से चोट लग गई है। एक्चुअली क्या है, वो पीछे स्टूल देख रहे हैं ना, तो हाँ मैं बताती हूँ, जो पीछे ये स्टूल है ये मेरे इसके अंदर घुस गया बिल्कुल नी से ऊपर की तरफ, और जब लगा था तब तो मुझे इतना पेन नहीं हो रहा था, और अभी मुझे बहुत ज़बरदस्त पेन हो रहा है, मतलब मेरे से हिला भी नहीं जा रहा है, बहुत बुरी तरह से पेन हो रहा है इसमें, बहुत ज़बरदस्त, बता नहीं सकती मैं आपको। हाँ थोड़ी बहुत कुकिंग तो करूँगी, क्योंकि कुकिंग तो करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत कुछ बनाऊँगी, लेकिन आज आपको लंगड़ी रीमा से ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि ढंग से मैं काम भी नहीं कर पा रही हूँ। और मैं सोची थी मैं ये मास्क ट्राई करूँ चारकोल वाला, क्या कर रही हूँ, ये क्या खा रही हूँ, तो मैं ये चारकोल वाला फेस मास्क लगाने की सोच रही थी, लेकिन अभी बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं ये मास्क अपने फेस पर ट्राई करूँ। बस थोड़ी बहुत कुकिंग करूँगी, दाल चावल बनाऊँगी जो कि बहुत क्विक बन जाए, मुझे ज़्यादा देर खड़ा ना होना पड़े, क्योंकि खड़े मुझसे हुआ नहीं जा रहा है इस टाइम, मतलब उतनी देर भी मैं खड़ी हो पाई तो बहुत बड़ी बात समझना, माई गॉड कशिश। अभी कुछ भी काम नहीं मैं कर पा रही हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत उस किचन में जा रही हूँ, बहुत जल्दी वाला खाना बनाने वाली हूँ जिससे कि ये लोग खा सकें, मुझे भूख भी नहीं है, मैं कुछ अपने लिए नहीं खाने वाली, मैं तो दाल, हमने तो बोला था हमें बाहर से ऑर्डर करने दो, मम्मी कह रही नहीं घर का ही खाओ। कशिश कह रही थी मम्मी बाहर से ऑर्डर कर देते हैं, लेकिन मैंने बोला बाहर से मंगा ले, नहीं यार बार बार से मत मंगाओ, मैं एक तरफ दाल बना दूंगी और चावल हो जाएगा काम, कैसे बनाओगी, हमें बाहर से मंगाने दो ना, इनको तो बस मौका चाहिए बाहर से खाने का, क्योंकि दोनों के मन में प्लान चल रहे हैं कि पिज्जा मंगाते हैं, मम्मी बीमार पड़ गई तो इनको मौका मिल गया पिज्जा खाने का, तुम बेचारी बीमार हो कहाँ से बनाओगी, बहुत केयर करते हैं लोग मेरी, लेकिन मैं इनको बाहर का खाना इसलिए नहीं खाने दे रही क्योंकि मुझे बाहर का ज्यादा खाना खाना पसंद नहीं है, तो मैं कोशिश करती हूँ ज्यादा से ज्यादा हम लोग घर में खाना खाएं, तो मैं बस दाल चावल बनाऊंगी, ज्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी, और वो भी इन दोनों के लिए, क्योंकि मुझे दूध से कॉर्नफ्लेक्स खाने हैं ऑनली, मेरा मन भी दूध से कॉर्नफ्लेक्स नहीं, कशिश डायरी तो खाएंगे तो तुम भी खा लो ना दाल चावल, नहीं खाऊंगा दाल चावल, अरे मिक्स दाल के साथ बनाऊंगी चावल, अब ऐसा करो डैडी को दे दो मैं सीरियल खा, नहीं तुम थोड़ा तो खाओगे, सीरियल नहीं ऐसे नहीं चलता, ठीक है चलिए फिर किचन में चलते हैं फटाफट कुछ बनाते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मैं वीडियो शूट कर पाऊंगी किचन में, तो मैं ना इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आपको जो मेरा व्लॉग है वो आज का पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो आप कर दीजिए लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसा करने से मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो होंगी वो आपके यूट्यूब स्क्रीन पर इजीली पहुँच जाएंगी, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, लव यू, गुड नाइट गाइस।